Good morning, students. So, how are you all? Yes, you should be fine. Okay, so as we know, our chapter 6, our climate, is completed now. And today we will discuss the question answers of this chapter. So, let's start. So, question number 1 is, what is the difference between weather and climate? वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है. सो द वेदर इज द डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अ पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशंस ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. वेदर किसी भी जगह का एवरीडे जो होने वाला मौसम है उसको हम कहते हैं. जैसे टुडे इज फॉगी, टुडे इज rainy, today is sunny, today is cloudy. तो every day जहाँ पर मौसम change होता है. And climate एक लंबे समय तक किसी भी place में एक long period of time तक एक ही तरह का जो weather रहता है या एक ही pattern का time weather conditions रहती हैं उसको हम climate कहते हैं. Question number 2, what role do the western disturbances play? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो विंड्स हैं वो क्या रोल प्ले करती हैं. सो द आंसर इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कॉज लाइट रेनफॉल इन द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स. सो ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विंड्स जो प्लेन एरियाज हैं वहाँ पर हल्की बारिश होती है और जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं वहाँ पर स्नोफॉल होता है. क्वेश्चन नंबर 3, How are monsoon winds useful? Monsoon winds हमारे लिए कैसे useful हैं? So monsoon winds carry a lot of moisture and cause rainfall in most parts of India. So monsoon winds which came from Bay of Bengal and came from Arabian Sea. So these monsoon winds carry a lot of moisture. बहुत सारा moisture जो है carry करती हैं और जिसकी वजह से पूरे इंडिया में रेनफॉल होता है. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट इन इंडिया रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल एंड विच स्टेट रिसीव्स द लोएस्ट रेनफॉल. तो कौन सा स्टेट ऐसा है जो हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है और कौन सा ऐसा है जो लोएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है. सो मेघालय रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल एंड राजस्थान रिसीव्स द लोएस्ट रेनफॉल. ओके, so here our question answers are also completed. So in the next class we will discuss or we will start our new chapter, our agriculture. So till then, take care, bye bye.